All right, so we are going to see how we do marketing on Facebook platform. So on Facebook, what we do is that we don't create an account for a company. हम सब लोग के पर्सनल अकाउंट है ना फेसबुक पे विद आवर ओन पर्सनल नेम्स. सो फेसबुक क्या कहता है कि अगर आपको आपके बिजनेस या किसी भी प्रोफेशनल वेंचर के लिए अगर आपको कनेक्ट करना है और आपको स्टार्ट करना है तो आपको अकाउंट नहीं बनाना है, आपको अकाउंट के इंस्टेड पेज बनाना है. और वो जो पेज के प्रॉपर्टीज है दे आर एज गुड एज अकाउंट ओनली, ठीक है. बट आपको क्रिएट करते वक्त अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, न्यू अकाउंट आपको. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि व्हाट इज योर गुड नेम, ठीक है. सो लेट्स से सानिया या फिर रिद्धि, उनके पर्सनल अकाउंट है, दे बोथ वॉन्ट टू स्टार्ट देयर बिजनेस वेंचर, ऑलराइट. सो आप आपके पर्सनल अकाउंट से लाइक सानिया रिद्धि के जो फेसबुक अकाउंट है उसमें से आप क्या करोगे, पर्सनल अकाउंट से यू विल क्रिएट अ पेज. Now we'll see how to create the page, how to set up the account. Ab iske piche reason kya hai? There are two reasons. Okay. Now let's say abhi aap you must be there on Facebook since last 5-10 years. Okay. Riddhi, Khushi, in general sab log bahut saalon se hai na फेसबुक पे. सो पहली चीज क्या होती है, ट्रस्ट. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल सानिया इज ऑन फेसबुक सिंस लास्ट 10 इयर्स. सो नाउ फेसबुक कंपनी के बारे में कि सानिया एक्टिव है, वो कमेंट करती है, लाइक करती है, उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स और कुछ लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स सेम है, मतलब ये एक एक्चुअल ह्यूमन बींग है और इसका एक लेजिटिमेट अकाउंट है, ऑलराइट. मतलब आप लोग फेक अकाउंट बना के कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं, राइट, रूमर्स, फेक न्यूज, राइट. So for that purpose, you have to create your page from your own personal account. ताकि कुछ भी हो जाए, हो गया तो आपको वो लोग रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं. और अगर नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने कुछ क्राइम किया या कुछ फेक न्यूज स्प्रेड कर दिया तो हाउ इज द पुलिस और हाउ इज द सिस्टम गोना कैच देम. सो फॉर दैट पर्पज, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, यू हैव टू क्रिएट अ पेज फ्रॉम योर ओन पर्सनल अकाउंट. क्लियर? So just give me a minute, we'll just log in and we'll start creating a page. Just hold on for a second. I'm getting an OTP so that we can just. All right. So this is a personal account. दिख रहा है सबको? So अभी
ये डैशबोर्ड मालूम है ना सबको, खुशी, यस 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 सर। रिद्धि, सानिया। तो यहाँ पे यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ना ड्रॉप डाउन दिखेगा, दिख रहा है ये फ्रेंड्स, फीड्स, ग्रुप। यहाँ पे आप सी मोर पे अगर आपने क्लिक किया ना, तो नीचे आप जाओगे तो आपको पेजेस दिख जाएगा अलग से, कि आपको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो पेजेस, एंड व्हेन यू सर्च फॉर पेजेस आपको ये आ जाएगा, ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? एक मिनट रुको, निकिता जस्ट लॉग्ड इन। निकिता आवाज आ रहा है क्या? ऑलराइट, यस सर। सो वी हैव टू क्रिएट अ पेज। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर आपको फेसबुक के ऊपर पेज ओपन करना है, तो आपको पर्सनल अकाउंट के थ्रू जाके उसके अंदर ऐसे पेज ओपन करना है, ठीक है? यू डोंट हैव टू क्रिएट न्यू अकाउंट, नया फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाना है आपके कंपनी के नाम से, आपको क्रिएट करना है पेज। अंडरस्टूड? तो पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, हमने देखा कि अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आप नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो पेजेस आएंगे, वरना आप यहाँ पे सर्च कर लो पेजेस, यू विल गेट दिस। तो आपको पेजेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आना है, और यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है वो आपको, डिस्कवर न्यू पेजेस, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, क्रिएट न्यू पेज। तो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, तब यहाँ पे लैपटॉप कौन कौन यूज कर रहे हैं? लैपटॉप, खुशी, निकिता एंड रिद्धि। ओके, निकिता इज यूजिंग, ठीक है। सो अभी व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ पेज फर्स्ट, ठीक है? वी लर्न हाउ टू डू दिस, ठीक है? सो अभी आपका एसईओ के लिए वेबसाइट था, उसका नाम क्या था? ओके, लर्न मास्टर, ठीक है? सो लेट्स से द पेज नेम इज, लर्न मास्टरी, ठीक है? फर्स्ट विल बी अ कंपनी नेम, सेकंड थिंग इज कैटेगरी। अब ये कैटेगरी आपको याद रखना है कि ये अभी एजुकेशन है, राइट? एजुकेशन, हाँ, ट्यूटर या टीचर, बराबर। और क्या हो सकता है, कोचिंग आता है क्या, देखते हैं। नहीं, सो एजुकेशन में देखते हैं और क्या है। नहीं, एजुकेशन में भी ऐसा कुछ हमें सूट होगा ऐसा नहीं आ रहा। आईटी एजुकेशन है ना, आईटी के कोर्स है ना, ठीक है? तो आप मैक्सिमम तीन कैटेगरी ऐड कर सकते हो, और मिनिमम एक तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है? जो पहला कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड किया जाता है, और बाकी दो कैटेगरी आप सब्सिडरी भी कर सकते हो। इन आ केस अभी हम लोग क्या है, ट्यूटर या टीचिंग कर रहे हैं, राइट? तो इसका हम लोग को क्लासेस का मिला नहीं है, एजुकेशन का मिला नहीं है, सो वी विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है? सो यू कैन ऐड वन ऑल्सो, बाद में आपका बायो होगा, ठीक है? बाद में आप हम लिखेंगे, ठीक है? ये मेरा बायो है। अब ये तीनों चीजें हम लोग पेज क्रिएट कर देंगे, बेसिक पेज विल बी क्रिएटेड। नाउ वील जस्ट ऐड ऑल द डिटेल्स, फॉर एग्जांपल, डॉट एक्स वाई जेड था ना,
डॉट कॉम तक। डॉट कॉम। रिद्धि, खुशी, निकिता, ठीक है, मैंने एक रैंडम 10 डिजिट नंबर डाल दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, सो बेसिक मैंने ये सब चीजें ऐड कर दी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कौन से टाइम पे आप ओपन होते हो, क्लिक ऑन ओपन ऑन सिलेक्टेड आवर्स, तो यहाँ पे आपको डालना। जैसे मंडे को, जैसे आई हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्लॉट्स वेयर आई वर्क इन, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक और दोपहर को 4 से लेके रात को 8 बजे तक। सो हाउ कैन आई डू दैट, फर्स्ट यहाँ पे मैं लूंगा सुबह 8 ना, सो मॉर्निंग 8 o'clock से लेके आफ्टरनून 12 o'clock, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इवनिंग 4 o'clock विच विल बी 14, नहीं 14 है 16, एंड यहाँ पे 8 बजे तक मतलब आएगा 20। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा ऐड करना है जो कुछ आपका वर्किंग स्लॉट रहेगा। अगर आप क्लोज है तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी मैं ऑडिबल टू यू, यहाँ तक समझा है सबको? निकिता, खुशी, रिद्धि, यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। नेक्स्ट थिंग इज एडिंग प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। अभी हम कैसे करते हैं, हम लोग कैनवा पे जाते हैं और हम लोग एक प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कैनवा इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लोगो अगर आप सर्च करोगे तो आपको लोगो के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आई कैन से लोगो एजुकेशन, पहले सर्च फॉर, आ गए मेरे बहुत सारे एजुकेशन के लोगोस। लेट्स से हम इसे लेंगे, ठीक है। तो ये कैनवा यहाँ पे किस किसने यूज किया, पहले आपने यूज किया सानिया कैनवा, ठीक है। निधि, रिद्धि, निकिता,
खुशी सर, देते हैं, थैंक ठीक है। तो नॉट गो मच डिटेल्स, तो ये कैनवस होता है आपका, कैनवस के ऊपर अलाइनमेंट यूज करके आप एलिमेंट्स प्लेस करते हो और आप डिजाइन क्रिएट करते हो, राइट। यूजुअली ग्राफिक डिजाइनर आपको करके देते हैं, ये डिजिटल मार्केटर्स का काम नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो लेट्स से लर्न आईटी मास्टरी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे ब्रांड का नाम लिखेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आईटी एक्सेलेंस, ठीक है। तो आपको चाहिए, यू कैन प्ले विद द कलर ऑफ दिस, आपको अगर ग्रेडियंट चाहिए तो आप ग्रेडियंट्स भी यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑप्शन भी होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो लेट्स से मैंने लोगो क्रिएट कर दिया, नाउ वी डाउनलोड दिस एंड अपलोड इट ऑन आवर। देखो क्रिएटिंग अ पेज इज नॉट डिफिकल्ट, वी विल सी द एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग पार्ट कहाँ पे होता है, पर उसके लिए पहले पेज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स से आप डाउनलोड दिस, द नेक्स्ट थिंग विल बी आई वांट टू लुक फॉर कवर फोटो, राइट। तो आई गो बैक, नहीं यहाँ पे लोगो टेम्पलेट से लुक फॉर कवर फोटो, ठीक है। सो आप डाउनलोड द लोगो, नाउ वी हैव टू मेक अ कवर फोटो आल्सो फॉर फेसबुक। सो अगेन यहाँ पे आप सर्च करो फेसबुक, ठीक है, ये आपका फेसबुक कवर के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो वी आर मेकिंग अ कवर फोटो फॉर फेसबुक, तो लेट्स से वी आर यूजिंग दिस टेम्पलेट, और ये हम लोग क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज करके वी विल। पूजा आवाज आ रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट आ गया, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स में जाके आप क्या सर्च करोगे, स्टूडेंट, एलिमेंट्स में जाके अगर आप स्टूडेंट सर्च करोगे, आप फोटोज में जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट के फोटोज मिलेंगे यहाँ पे रेडीमेड, दिख रहा है सबको, राइट।
ठीक है, तो आप में से यहाँ में से आप कौन सा ही फोटो ले सकते हो? अब इसमें से एक फोटो है, अच्छा की है, अब इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, राइट? ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यू कैन यूज दिस एलिमेंट्स एंड यू कैन मेक। सो अभी के लिए मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ और डील यूज दिस फॉर आवर पेज क्रिएशन। नाउ वी गो बैक टू आवर फेसबुक अगेन। यहाँ पे भी ऐड द प्रोफाइल पिक्चर विच वी हैव डाउनलोडेड जस्ट रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट विल बी अ कवर फोटो। आपको ड्रैग करना होता है, हो गया, क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिंग योर व्हाट्सएप नंबर टू योर फेसबुक पेज, दिस इज क्रूशियल। अभी के लिए मैं नहीं करूंगा कि आप लोग डमी अकाउंट पे कर रहे हैं प्रैक्टिस, बट आपको अभी क्या करना है, आपका नंबर डालना है और कंट्री कोड डालना है, एंड देन यू विल गेट ओटीपी, और ओटीपी आने के बाद आप सबमिट कर दो ओटीपी, दैट्स इट, आपका फोन हो जाएगा कनेक्ट विद दिस। देन इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग आप सबको इनवाइट कर सकते हो टू लाइक योर पेज। अंडरस्टूड? ये भी पार्ट भी स्किप करने वाला हूँ और ये भी पेज नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा अभी के लिए। एंड विद दिस माय पेज विल बी क्रिएटेड, बेसिक पेज। अभी और बहुत सारी चीजें होती है पेज के अंदर जो आपको ऐड करनी होती है, तो वंस योर पेज इज क्रिएटेड ऐसा आपका एक अलग अकाउंट बन जाता है। देखो दिख रहा है, एक अलग अकाउंट बन गया इधर आईटी मास्टरी, और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं फिर से सुयश पे स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था आपको, आपने पेज भी क्रिएट किया तो आपको आगे जाके वो अकाउंट के जैसे आपको डैशबोर्ड देता है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? भाग्यश्री, पूजा, खुशी, रिधि, निकिता, यस सर, यस सर। सो आप पेज बनाओ पर्सनल अकाउंट से, बट फिर आपको क्या करता है वो एक अकाउंट की जैसे पूरा आपको डैशबोर्ड देता है। ठीक है, तो ये हमारा लर्न मास्टरी का पेज है विच इज ऑल्सो एज गुड एज एन अकाउंट। अभी यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में अगर जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करने को आएगी। ये हमारा कैटेगरी हमने ऐड किया था, ठीक है, तो आप ये डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, या और कुछ नहीं ऐड कर सकते हो। देन ऐड सर्विस एरिया, क्या आप कहाँ कहाँ पे काम करते हो? लेट्स सी, मेरा क्लास पुणे में है, फिर मुंबई में है, और लेट्स से नासिक में है, तो ये तीन सिटीज में ऐड कर लूंगा। ठीक है, फोन नंबर हमने ऐड किया, ईमेल आईडी हमने ऐड किया, वेबसाइट ऐड किया। अभी यहाँ पे आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हो। देखो इंस्टाग्राम आपको सिलेक्ट करना है और आपका यूजर नेम डालना है और बस यहाँ पे सेव बोलना है। बाद में सेम चीज थ्रेड्स, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, आपका लोगों भी यूजर आईडी होगा या फिर पेज का लिंक होगा, आपको यहाँ पे ऐड करके रख देना। अंडरस्टूड? प्राइस रेंज आप ऐड कर सकते हो ना, इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज ये मुश्किल है, बट ये अगर रेस्टोरेंट है तो अच्छा है ना, तो ऐड कर सकते हो ना, 1,000 रुपए फॉर 2 पीपल ऐसा। ऐड सर्विसेज, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर ऑनलाइन क्लास है क्या, इन पर्सन क्लासेस है आपके, ऑनलाइन क्लासेस है, बाद में और क्या है हमारा, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे कैटेगरी के लिए इतना सूट हो रहा है, हम लोग ये सेव करके रख देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज जेंडर। अभी ये जेंडर वगैरह क्यों दिया है यहाँ पे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स या फ्रीलांसर्स भी होते हैं ना,
जिनका फेसबुक का प्रोफेशनल पेज होता है, राइट? तो उसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसलिए वो लोग यहाँ से सेटअप करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, अब ये हो गया आपका पेज क्रिएट करके। अंडरस्टूड एवरीवन? पेज कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि आपको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग अगर करना है तो क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट गो इनटू द सेटिंग्स ऑफ दिस पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेटिंग के अंदर मैं दो तीन चीज आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ यूजर नेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूजर नेम क्रिएट करना, क्योंकि अगर आप यूजर नेम क्रिएट नहीं करोगे तो आपके होम पेज का या फिर आपके अकाउंट का यूआरएल क्रिएट नहीं होगा, और यूआरएल क्रिएट नहीं होगा तो आप अगर लिंक शेयर करोगे तो प्रॉब्लम होगा, राइट? सो इसलिए लेट्स से कि आई एम गोना गो विथ लर्न मास्टरी, देखते हैं कि ये आला अवेलेबल है क्या। सो ठीक है, अवेलेबल है, सो दिस इज माय न्यू यूजर नेम। ठीक है, ठीक है। सो पहला तो देखो, बन गया मेरा लिंक facebook.com/learnmastery। ठीक है, अब आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर, उसके अंदर आपको जाना है फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ से आप पेज डिलीट कर सकते हो या डीएक्टिवेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? कहाँ पे जाना है आपको? सेटिंग्स के अंदर में प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंदर फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग इज न्यू पेज एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यू कैन एड एडमिन्स टू योर पेज। एडमिन्स यानी क्या, लेट्स से सानिया ने कंपनी बनाया, अभी कल सानिया का और नया कंपनी बनाना है और उसने एक मैनेजर को हायर कर लिया। अब उसको मैनेजर को हैंडल करने देना है, तो आप वो क्या कर सकती है, यहाँ से एक्सेस दे सकती है। शी हैज टू जस्ट मेक श्योर दैट द पर्सन दैट शी इज गिविंग एक्सेस टू नीड्स टू बी योर फ्रेंड। फेसबुक के ऊपर आपका फ्रेंड होना चाहिए। तो लेट्स के एस नाम से कोई तो बंदा है, SI। अभी आ गए इतने सारे लोग, ठीक है, तो इनमें से मैं किसी का भी नाम सिलेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, उनको एक्सेस दे सकता हूँ। एक्सेस इज दैट से क्या है, क्लिक ऑन टू सिमरन पॉल। तो यहाँ पे आप मैं बोल सकते हो कि गिव हिम द फुल एक्सेस। फुल एक्सेस में क्या होगा, वो सुपर एडमिन बन जाएगा, वो आपको भी डिलीट कर सकता है, वो पेज भी डिलीट कर सकता है। बट अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो इसको ये सारी चीजों का एक्सेस जाएगा। कंटेंट वो डिलीट कर सकता है, मैसेज, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइड, बट किसी को निकाल नहीं सकता है, पेज डिलीट नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? यहाँ पे अगर मैं गिव एक्सेस क्लिक कर दूंगा तो उसको उसके जीमेल के अंदर, स्पैम के अंदर या फिर सोशल के अंदर ये मेल आएगा कि लेट्स से कि सानिया शेख हैज गिवन यू एक्सेस टू लर्न मास्टरी, डू यू एक्सेप्ट द एक्सेस? अगर उसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, आपके नीचे उसका नाम आ जाएगा। अंडरस्टूड? अभी आपको पूरा एक्सेस नहीं देना है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक्सेस देना है। ठीक है, तो अगेन व्हाट विल यू डू, यू विल सिलेक्ट कौन सा एक्सेस देना है। हाँ, कंटेंट का एक्सेस देना है क्या, ठीक है, मैसेज एंड कॉल्स नहीं, कम्युनिटी भी नहीं, एड्स का भी नहीं, सिर्फ इनसाइट का, इसी में दो चीज का एक्सेस जाएगा। अंडरस्टूड? बाकी सारी प्रोसेस सेम है। ठीक है, और कम्युनिटी मैनेजर्स क्या होते हैं, अभी आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखा है ना, राइट गाइस? एवरीवन, खुशी, निकिता, पूजा, भाग्यश्री, यस सर, और आपने देखा लाइव स्ट्रीम में कितने लोग कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना रैपिड यस सर, मैनर में। सो नाउ लेट्स से इन दैट केस पीपल आर कमेंटिंग और किसी ने कुछ गलत कमेंट लिख दिया, तो वो आपको डिलीट करने आना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने आना चाहिए, बट वो तो बहुत फास्ट होते रहता है ना। तो आप क्या करते हो, तीन चार कम्युनिटी मैनेजर्स को हायर करते हो, जो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो उनके पास एक्सेस आता है, तो वो सारे कमेंट्स रीड कर सकते हैं, और उसमें से अगर कुछ उनको गलत लग रहा है तो वो डिलीट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। सो हाउ डू यू डू दैट, यू गो टू दिस मैनेज एंड सेम प्रोसीजर, यू हैव टू जस्ट ऐड कम्युनिटी मैनेजर्स। ठीक है, क्या लिखा है, कम्युनिटी मैनेजर आर एबल टू डिलीट कमेंट्स फ्रॉम लाइव स्ट्रीम्स। ठीक है, बैन पीपल फ्रॉम योर करंट स्ट्रीम, बैन पीपल फ्रॉम ऑल योर लाइव स्ट्रीम्स। ठीक है, सी ऑल एडमिन्स ऑफ दिस पेज। यहाँ पे आपको सिमिलर सेम चीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो उनका, या फिर उनका फेसबुक के ऊपर जो कुछ भी नाम है वो। ठीक है, ठीक है,
सेंड इनविटेशन, तो इनको इनवाइट जाता है ऑफ कम्युनिटी मैनेजर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू, हमने क्या देखा पहले, क्रिएटिंग यूजर नेम, उसके हमने देखा कि कैसे हम पेज डिलीट कर सकते हैं, उसके हमने देखा कैसे हम लोगों को एक्सेस दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिंग आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप जो फोन पे आपका पर्सनल अकाउंट लिंक करते हो ना, वो नहीं बोल रहे मैं, वो तो आप क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हो, राइट? यस फेसबुक यस। पोस्ट हाँ वो तो पर्सनल अकाउंट, वो तो आप पर्सनल अकाउंट पे करते हो, अभी आप हम लोग बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये दोनों कनेक्ट नहीं करते हो ना, तो एक फेसबुक ने एक डैशबोर्ड बनाया, यानी आप बोल सकते हो एक सॉफ्टवेयर बनाया सारे बिजनेसेस के लिए, कि अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे अपना बिजनेस अकाउंट बनाया और अगर आपको हैंडल करना है, तो हम आपको एक अलग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? और वो अलग सर्विस आपको यूज करनी ही नहीं आएगी जब तक, तो अगर ये दोनों आप लिंक नहीं करते हो। लिंक करना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना। अभी हमने फेसबुक का तो हमने पेज बनाया, हम इंस्टा का अकाउंट बनाएंगे, पर इंस्टा का अकाउंट हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, इंस्टा डजंट लेट यू क्रिएट मोर देन वन अकाउंट ऑन वन कंप्यूटर, ठीक है? वो आपका आईपी एड्रेस, आपका इंटरनेट का पूरा लिंक कर देता है, और अभी अभी आपने बनाने को ट्राई भी किया तो भी बहुत मुश्किल है। तो एक बंदा सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकता है एक ही मोबाइल नंबर के साथ, तो अगर यहाँ पे वो मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि इस ये कंप्यूटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना दिया, तो मैंने एक अकाउंट लिंक किया, मैं आपको बताऊंगा लिंक कैसे करते हैं, कुछ नहीं, आपको बस करेक्ट अकाउंट बोलना है, करेक्ट बोलना है, और आपको यहाँ पर सिर्फ इंस्टा का आपका लॉग इन डिटेल्स डालना है, जो कुछ भी आपका लॉग इन डिटेल्स होगा, देखो आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम या फोन नंबर और आपका पासवर्ड, दैट्स इट। लॉग इन पे कर दोगे तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक हो जाएगा करेक्ट, अंडरस्टूड? और ये व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप तो पहले ही आप तो मैंने दिखाया था, पेज क्रिएट करते हो भी तभी होता है करंट, वो नहीं, वो नहीं आपने तब किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हो करंट, अंडरस्टूड? क्लियर है ये? रिद्धि, निकिता, पूजा, भाग्यश्री, सानिया। यस नाउ वंस वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, हमारा पेज सेटअप रेडी है। सेम थिंग अभी इंस्टाग्राम पे सबको आता है ना अकाउंट ओपन करने है, और उसको प्रोफेशनल में स्विच भी करने आता है ना, यस और नो? हेलो, सर, यस सर, आता है ना सबको? ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है प्रोफेशनल? तो आपको करना है इंस्टा अकाउंट बनाना है, उसको प्रोफेशनल में स्विच करना है, और उसको उस फेसबुक के साथ लिंक कर देना है, अंडरस्टूड? अब आप जब लिंक करते हो उसके बाद, अभी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करना है ना, हमें पोस्टिंग करना है, राइट सानिया? फिर हमें अपलोड्स करने हैं बहुत सारे, हमें पूरा हैंडल करना है, हमें देखना है कौन हमें फॉलो कर रहा है, फिर वो लोग कितने बजे एक्टिव होते हैं, हमें एड्स भी लगाने हैं, राइट? तो हम ये सब कैसे करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मेटा बिजनेस सूट, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, तो आपको फेसबुक के अंदर ही मिलता है, इंस्टाग्राम के अंदर मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इन सब लोग का ओनर कौन है, मेटा बिजनेस, राइट? तो देखो अभी क्या हुआ है, मैंने जैसे ही मेटा बिजनेस सूट खोल लिया, वो फेसबुक के अंदर ही है। कैसे होता है फेसबुक के अंदर, वो वेयर इज इट, वो आपके पेज के आगे नीचे ऑप्शन होता है मेटा बिजनेस सूट का, ठीक है? और देखो ये मैं लर्न आईटी मास्टरी के अगर होम पेज पे गया, आ रहा है यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे हम क्लिक करके मेटा बिजनेस सूट ओपन करते हैं यूजुअली, ठीक है? निकिता, आपके पास लैपटॉप है, राइट? यस सर, ठीक है, सो कैन यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन एंड मैंने अब तक जो बताया है पेज क्रिएट करना, कैन यू जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट? ओके सर, आई शेयर द स्क्रीन, बट ओके सर, शेयर द ताकि आपका स्क्रीन, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, राइट? तो यस सर, अगर ना पेज क्रिएट करना है, प्रोफाइल पिक्चर अगर नहीं हुआ पॉसिबल, ठीक है, बट आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में जाके जो मैंने अभी बताया सारी चीजें करना है, यूजर नेम डालना है, डिलीट कहाँ से होता है देखना है, एक्सेस कैसे दे सकते हो वो देखना है, अगर आपको देखना है एक्सेस देना है, तो अभी आप क्लास के अंदर आपका कोई कलीग है जैसे सानिया है, पूजा है, निकिता है, उनको आप फेसबुक रिक्वेस्ट भेज के आप उनको एक्सेस दे के देखिए, ठीक है? तो ओके सर, पहले तो आप पेज क्रिएट के देखो, यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको,
यस ऑलरेडी हैव अ पेज सर, तो हाँ, जस्ट क्रिएट अ न्यू पेज, न्यू पेज प्रैक्टिस के लिए, वो आप अपना क्रिएट भी कर सकते हैं राइट। हाँ नहीं लावल लगे ना अपने ना जरूर करो बोलते हैं बॉक्स से का है होता करो प्रति मूल कर दो कैसे करते हाँ हाँ मैं जास्त आहेत मला वाटतं सर्विस नाही डॅमेज. हां आणि तीन तर मला डॅमेजच पाठव बॉक्स काढून बॉक्स तुम्ही काढून घ्या. तीनच आहेत घेऊन का सर शुड आई मार्क दिस ऑल्सो? या चलेगा ब्लैक बिल्कुल हाय झाला आएगा द पेजेस रेडी. सेटिंग्स ठीक है। अभी सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स
जो जो मैंने बोला, बाकी सब लोग हेल्प करो इफ ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट। हाँ 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 ओनली ओके ये हो गया। इसमें सो यूजर नेम क्रिएटेड, उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कौन बताएगा? ठीक है, सो सानिया इज सेइंग गो टू प्राइवेसी। आई सी अच्छा यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट आई हैव टू फॉलो हाँ सम वेट यस करेक्ट। अकाउंट को डीएक्टिव एंड डिलीट करने का ऑप्शन है, कहाँ पे है? फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन पर। ठीक ठीक है, अभी इसमें आई टेल यू समथिंग, अगर आपने डिलीट भी किया ना, आपको 30 दिन का वो ऑप्शन देता है, इट्स जैसे रिवर्स योर चॉइस। ठीक है, और अगर आप डीएक्टिवेट कर रहे हो तो आपका पेज रहेगा, सिर्फ किसी को दिखेगा नहीं। ठीक है, यू कैन गो बैक।
गो बैक टू सेटिंग्स, सेटिंग्स। अभी क्या है नेक्स्ट? न्यू पेज एक्सपीरियंस। यू कैन गिव एनीवन एक्सेस, राइट? रिद्धि, पूजा, निकिता, खुशी। यस रिद्धि एंड खुशी, आर यू देयर? सर, ऑल राइट। देखो यार, प्रैक्टिस करोगे ना तो, और देखो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, फिर भी अभी बहुत दो तीन लोग को याद नहीं आ रहा है ना। ये क्या होता है, लिसनिंग इज वन थिंग। देखो थियरी जब मैं बताता हूँ ना, थियरी तब आप सुन सकते हो, मैं जब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो जब तक नहीं प्रैक्टिकल करोगे तब तक आपको जहन में नहीं रहेगा आपके। तो हाउ यू डू दिस, हाउ डू गिव एनीवन एक्सेस, क्या कर रहे हो पेज स्टेटस पे जा रहे हो? सॉरी सर, यू डू पेज एक्सेस ओनली, या फ्रॉम हियर यू हैव टू जस्ट, हाउ डू गिव एक्सेस? सानिया रुक जाओ, हाउ डू गिव एक्सेस? आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपको मालूम है। हाउ डू गिव एक्सेस रिद्धि? कैसे देना होता है एक्सेस? क्लिकॉन कम्युनिटी मैनेजर्स। कम्युनिटी मैनेजर्स तो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, मुझे उसको मेरे पूरे फेसबुक इंस्टाग्राम का एक्सेस देना है, तब मैं क्या करूंगा? ठीक है, किसी ने तो मैसेज किया है। कम्युनिटी मैनेजर्स नहीं, कम्युनिटी मैनेजर सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अरे आपके सामने आंसर है यार। पीपल विद फेसबुक एक्सेस एड न्यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कर लो, ऐड न्यू पे जाओ, क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। हियर यू हैव टू ऐड एनी वन पर्सन हु इज योर फ्रेंड, ठीक है? नाम डालो अभी। प्लीज टेल मी योर नेम प्लीज। सेंड मत करो किसी को, बट सिर्फ सर्च करो नाम किसी का। ओके कर लो यार, कोई भी सिलेक्ट कर लो यार। ठीक। कितनी किताब मांग रही है आपके फेसबुक पे? ठीक है ना, अंडरस्टूड। कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कौन सा एक्सेस देना है? ठीक कंटिन्यू। है, अभी क्लिक मत करोगे एक्सेस पे, उसको मैं मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिसलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? व्हाट एवर दैट यू वांट, ठीक है? नाउ क्लोज दिस विंडो। अंडरस्टूड हाउ टू गिव एक्सेस? यस सर, सेम थिंग विद टास्क एक्सेस एंड कम्युनिटी मैनेजर्स, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है? गो बैक टू योर सेटिंग्स। अब नेक्स्ट चीज क्या है? ऑल राइट, सो सानिया इज सेइंग दैट वी हैव टू क्लिक ऑन टू लिंक्ड अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने बताया आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? फेसबुक ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ये मैंने बताया आपको कैसे करते हैं, राइट? सिर्फ आपको लॉगिन डिटेल्स डालना है। तो हम बात कर रहे थे मेटा बिजनेस सूट की। अब मेटा बिजनेस सूट क्या है? एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो फेसबुक के अंदर ही होता है, जिसके थ्रू आप इजीली मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो? अभी देख रहा है लर्न मास्टरी, यहाँ पे मैं ड्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उन सारे पेजेस का यहाँ पे नाम है जिनका मैं एडमिन हूँ या फिर जिनका मुझे एक्सेस मिला है। अंडरस्टूड? अभी दिख रहा है ये पल्लव वेलनेस, ये मेरा फ्रीलांसिंग का क्लाइंट है, ठीक है? तो इनका मेरे पास एक्सेस है। बाद में दिख रहा है दिल्ली स्नैक हार्ट, लर्न आईटी लर्न लैब, ये सारे स्टूडेंट के लिए मैंने अकाउंट्स बनाए, ठीक है? तो ये इसका एक फायदा क्या है? अभी देखो आप एक एजेंसी में काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको एक एग्जीक्यूटिव का रोल दिया गया है और उसके अंदर आपको लेट्स से 15 क्लाइंट्स का पोस्टिंग करना है। तब हर एक क्लाइंट का लॉगिन करोगे?
तो अगर आपके पास मेटा बिजनेस सूट है आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन पे जाओगे, हाँ यहाँ पे पोस्टिंग पे क्लिक किया, हो गया ड्रॉप डाउन पे गया, अलग क्लाइंट, ठीक है। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी आई यूज्ड टू पोस्टिंग फॉर अराउंड 15 to 20 क्लाइंट्स, और वो सिर्फ मेरा 40 मिनट्स में हो जाता था विद द हेल्प ऑफ मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। और अच्छा आपको एक्सेस भी मिल गया चलो सबका, फिर भी आपको हर एक, और आपके मेटा बिजनेस सूट नहीं रहता था तो आपको हर एक टैब पे नया नया पेज ओपन करके रखना पड़ता था, और जब तक ये पोस्टिंग हो रहा है आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, बट ये मेटा बिजनेस सूट में आप बहुत इफेक्टिवली और फास्ट तरीके से पूरा अपलोडिंग और पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा, देखो पहले तो ये डैशबोर्ड है जिसमें आपका कवर फोटो दिखेगा, प्रोफाइल फोटो दिखेगा, और अगर आपने आपका इंस्टाग्राम लिंक किया है तो यहाँ पे इंस्टा के डिटेल्स भी दिखेंगे, अंडरस्टूड। ये एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह है, आपके पेज और आपके अकाउंट के साथ जो कुछ भी रिसेंट एक्टिविटी हो रही है, नए फॉलोअर्स है, नया मैसेज आया है, वो सब यहाँ पे आपको दिखता है। आपको कुछ भी क्रिएट करना है, आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, आपको रील क्रिएट करनी है, आपको स्टोरी डालनी है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो, अंडरस्टूड। नाउ टू डू पोस्टिंग वी क्लिक ऑन टू क्रिएट पोस्ट, नाउ यहाँ से आप क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने तो इंस्टाग्राम यहाँ पे लिंक नहीं किया ना, तो अगर इंस्टाग्राम मैंने लिंक नहीं किया है तो क्या है यहाँ पे, हाँ बट अभी मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ जिसका मैंने इंस्टाग्राम लिंक करके रखा है, ठीक है। आई जस्ट, या निकिता यू वांट टू आस्क समथिंग, सर हम जितने भी अकाउंट्स हैं लाइक लिंक्डइन सब इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं एंड वहां पे साइमल्टेनियसली पोस्ट हो जाएगा। नहीं, नॉट लिंक्डइन, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, क्योंकि ये ओके तीनों मेटा बिजनेस के प्रोडक्ट्स यस सर हैं, और ये मेटा सर बिजनेस सूट है। लिंक्डइन के अंदर एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक ओके है। सर यूट्यूब के लिए यूट्यूब के अंदर का अलग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके सर दिस इज ओनली फॉर 3 प्लेटफॉर्म्स। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक इफ आई हैड एन अकाउंट 2 3 years बैक ऑन इंस्टाग्राम, एट दैट टाइम वी पोस्टेड फॉर 15 20 days, उसके बाद में देर वॉज नो एक्टिविटी फॉर टू एंड अ गुड ईयर फॉर टू गुड ईयर्स। तो इफ वी स्टार्ट पोस्टिंग नाउ विल इट हेल्प इन ऑर्गेनिक बूस्टिंग? या डेफिनेटली इट डजंट मैटर आपका अकाउंट कितना बुलाना है, आप जो इट कंटेंट डजेंट मैटर कि हम तो कितने एक्टिव थे या कितने नहीं थे, इट नहीं नहीं मैटर नहीं करता, डजंट पहला मैटर। बात तो आप स्विच कर लो आपका अकाउंट टू अ प्रोफेशनल अकाउंट, ओके सर ठीक है। देन ओके लिंक इट एंड स्टार्ट अपलोडिंग, अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट है उसको रीच मिलेगा, अगर ओके उसके सर अंदर वायरल हो जाने का पोटेंशियल है तो वायरल हो सकता है, क्लियर। अभी देखो ये दिल्ली स्नैक हार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने इंस्टा फेसबुक दोनों लिंक करके रखा है, तो मैं क्या करूँगा दोनों भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मैं फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे अपलोड करना, यस करेक्ट यस। अभी देखो व्हाट्सएप का कैसा है कि व्हाट्सएप में हम पोस्टिंग कर सकते हैं क्या, नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऐड दिखता है क्या, नहीं। तो व्हाट्सएप का काम बहुत ही मिनिमम है इसमें, व्हाट्सएप में आपका वो ग्रीन बटन आप डाल सकते हो आपके पेज के ऊपर, ताकि अगर किसी को आपको मैसेज करना है वो आपके पेज के ऊपर जाके डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। तो सी सब लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों ने दोनों अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट थिंग इज ऐड फोटो, ऐड फोटो के अंदर लगे आपका जो कुछ भी होगा फोटो, लगे कि ये मैं डाल रहा हूँ तो ये आपका होगा फोटो अपलोडेड। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आपका कैप्शन होगा, कैप्शन अगर आपको सेपरेट लिखना है फेसबुक के लिए अलग तो ये ऑन कर दो, फेसबुक के लिए अलग कैप्शन लिखो, इंस्टा के लिए अलग अलग कैप्शन लिखो, अगर दोनों के लिए सेम रखना है तो ये ऑफ करके यहाँ पे कैप्शन आपको लिखना है। उसके आपको अभी के अभी अगर आपको पब्लिश करना है तो कर सकते हो, या फिर आप शेड्यूल करके रख सकते हो कल के लिए, परसों के लिए, 2 महीने बाद, ठीक है। और ड्राफ्ट क्या होता है सबको मालूम है, इफ आई क्लिक ऑन टू पब्लिश ये अभी कभी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैप्शन के अंदर हैश टैग, ठीक है।
हैशटैग आपको कैसे यूज करना है, तीन हैशटैग्स आपके कंपनी के होने चाहिए और तीन हैशटैग्स आपके पोस्ट के होने चाहिए। लेट्स से हमारा हैशटैग क्या होगा, हैशटैग स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये हमारे कंपनी के हो गया। अब मैं सिखा रहा हूँ आज क्या, फेसबुक ऑर्गेनिक, हैशटैग लर्न फेसबुक, हैशटैग PSDM फेसबुक मास्टरी, राइट, मेटा बिजनेस सूट, बन गए 6 हैशटैग। तो ऐसे आप करते, तो वैसे जैसे ही आप पोस्टिंग करोगे मैं आपको बताता हूँ कैसे कहाँ पे क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट पोस्ट किया, हमने पोस्टिंग कर दिया, यहाँ पे दिख रहा पोस्ट, आ गया ना पोस्ट हमारा, ये हमारा फेसबुक का है, ये इंस्टाग्राम का है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो यहाँ पे पोस्टिंग हो चुका है। ये तो आपका डैशबोर्ड है बेसिक। अब यहाँ पे एक एक चीजें मैं आपको बताता हूँ, पहले तो होम है, होम के अंदर आप जाके पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हो कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने आपको लाइक्स मिले, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट थिंग नोटिफिकेशन, अब यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन आते हैं एक साथ, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्लानर, अब ये प्लानर क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग हमेशा आगे का प्लानिंग करते हैं। अभी लगते जोमेटो सबको मालूम है बहुत फेमस है ना जोमेटो, अगर लगते एक दिन आपने जोमेटो से ऑर्डर ही नहीं किया, ठीक है, बेचता है वो तो उनका मार्केटिंग होगा। अभी लगते कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो फिर आपको जोमेटो का ऐड भी दिखता है वहां पे, यस और नो, यस गाइस, राइट, यस भाई आपको जोमेटो का ऐड भी वहां पे दिख रहा है। अभी लेट्स से एक दिन आपको जोमेटो का ऐड ही दिखा नहीं, आप मुझे बताओ जोमेटो का ऐड या पोस्ट देख के कितने लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं ना, अरे आज 30% ऑफ है कल जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ठीक है, बट उनको ऑफर का पोस्ट दिखा ही नहीं तो क्या होगा, बिजनेस लॉस होगा। तो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से अभी मैं सानिया इज वर्किंग फॉर जोमेटो और सानिया का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता बट लेट्स से कुछ हो गया और उसने छुट्टी ले ली, तो उस दिन का पोस्टिंग होगा क्या, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा 1 महीने आगे का काम करते हैं। अभी लेट्स से मुझे मार्च के लिए काम, मार्च का पूरा पोस्टिंग फरवरी में रेडी रहता है, फरवरी 15 के पहले, और वो पूरा शेड्यूल करके रख देती है कंपनी ताकि बीच में कुछ भी हो जाए पोस्टिंग रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें प्लानर होता है। प्लानर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लानर वीकली और मंथ, मंथ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारा दिख रहा है आपको कैलेंडर, यस, ये आपका हो गया प्लानर। बाद में कंटेंट, अभी जो कुछ भी आपने कंटेंट अपलोड किया है वो आपको सब यहाँ पे दिखता है, अभी हमने अपलोड किया ये कंटेंट, राइट, अभी ये लास्ट 90 दिन का है, बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा लाइफ टाइम, यहाँ पे मुझे सारे कंटेंट दिख जाएंगे जो मैंने अब तक अपलोड किए, अपलोड हो गया, यस। नेक्स्ट थिंग इज इनसाइट्स, ये इंसाइट्स कब काम को आता है, जब आपके पास 15,000 फॉलोअर है, 20,000 फॉलोअर है तो आपको काम को आता है, हाउ डज इट हेल्प अस, ये आपको बताता है कि आपका ऑडियंस, देखो सबसे पहले क्या लिखा है रीच, फिर कितने लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचा है, फिर कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया है थ्रू लाइक्स कमेंट शेयर, ठीक है, फॉलो, फॉलोअर्स कितने हैं, अगर आपके पोस्ट के अंदर लिंक का ऑप्शन है कितने लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक किया है, और अगर वीडियो है तो कितने मिनट तक आपका वीडियो देखा गया है, ठीक है। अब ये था ओवरव्यू, बाद में आपका रिजल्ट्स है, रिजल्ट मतलब फेसबुक कितना रीच हुआ है, इंस्टाग्राम पे कितना रीच हुआ है, बाद में विजिट्स कितने लोगों ने पोस्ट देख के प्रोफाइल विजिट किए, वो भी आपको समझ में आता है, नए फॉलोअर्स नए लाइक्स, ये ऐड का ट्रेंड है। बाद में आप ऑडियंस पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखता है कि आपका ऑडियंस का एज और जेंडर क्या है, ठीक है, फिर वो कौन से सिटी से, कौन से टाउन से, कौन से कंट्री से, आपको सब दिखता है, अंडरस्टूड। नाउ दिस बेंच मार्किंग इज अ इंटरेस्टिंग फैक्टर, बेंच मार्किंग में आप क्या कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स को आप ऐड कर सकते हो, हाउ टू डू दैट, गो टू बिजनेस टू वॉच, और यहाँ पे आप जैसे अभी दिल्ली स्नैक हार्ट इज अ फूड बिजनेस, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सारा हम लोगों ने फूड के चैनल ऐड के देखे, रणबीर ग्रास, संजीव कपूर, कविताज किचन, ये क्या करता है, ये उनके उनको और मेरे को कंपेयर करता है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि संजीव कपूर के तो 6.6 मिलियन लाइक्स है, आपका 0 है, तो ऐसे आपको कंपैरिजन देता है, तो ये बेंचमार्किंग हो गया। नेक्स्ट थिंग इज इनबॉक्स। इनबॉक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनबॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये है कि यहाँ पे हमें सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें अगर किसी ने डीएम किया तो हमें यहाँ पे दिखता है, अगर किसी ने हमें मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया दिखता है, किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया, इंस्टा पे कमेंट किया, हमें यहाँ पे दिखता है, अंडरस्टूड। और ये व्हाट्सएप का फीचर है, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर ये आप यूज कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप मोबाइल के ऊपर यूज करने नहीं आता, ठीक है। तो वो कैसा होता है कि आपको एक सिम कार्ड का नंबर यहाँ पे डेडिकेट करना पड़ता है, और आपको फोन के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस का आप डाउनलोड नहीं करना है, और यहाँ पे आपका नया अकाउंट बन जाएगा, और आपको अगर यहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो किसी को और सबका मैसेज, यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैनेज कर सकते हो बिजनेस के लिए, आपके फोन में होता है ना बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस। अब प्रॉब्लम क्या होता है, फोन के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस अगर सानिया डाउनलोड किया है, और अगर सानिया का बिजनेस है, सानिया के मोबाइल छोड़ के और कोई हैंडल कर सकता है क्या, नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस किया, वेर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टू गेट स्टार्टेड एंड यू कैन ऐड योर नंबर। अब इसका सिर्फ एक ही उन्होंने दिया है कि आप अगर ये नंबर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप वो नंबर मोबाइल के अंदर यूज, या मोबाइल कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट व्हाट्सएप के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस मैनेज करना है कमेंट्स ऑन फेसबुक, ठीक है। जब कभी अगर किसी का मैसेज आया, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पल्लवी स्वामी का मैसेज आया, तो हम लोग इसे रिएक्ट कर सकते हैं, और हम लोग बोल भी सकते हैं कि हाँ स्पैम है ये, ठीक है। मूव टू डन, डन मतलब हमारा बात करके हो चुका है, ठीक है। डन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप खुद आपका स्टेटस लगा सकते हो, अवे या फिर अवेलेबल, ठीक है। और हाँ, ठीक है। सो गाइस, ये आपका मेटा बिजनेस सूट के अंदर बेसिक पोस्टिंग कर सकते हो आप, तो ठीक है। अभी आपको क्या करना है, निकिता कैन यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन। यस सर, अभी आपको क्या करना है, मेटा बिजनेस सूट ओपन करना है और एक पोस्ट बनाना है, ठीक है, और उसे अपलोड करना है, ठीक है। हाँ गुड हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, हां तो टचेस फोटो काटो ना, और हम सेल्फी काटो,
शादी का शादी में फोटो नहीं है, दूल्हे शादी में शादी में नहीं है तो फोटो है। मैं बोल रहा ऊपर तुम्हाला पाठव आधी तुझे फोटो, मग मी सांगतो कुठला पाठव। अरे व्हाट यू आर डू ना, जिन लोग ने आज नहीं किया ना ये, घर पे जाके यू कैन डू इट, ठीक है? अच्छा ठीक है, यू कैन हायर मैक्सिमम 10 फोटोज एंड इट विल बिकम अ कराउजल पोस्ट। तो टेन या फ्लॉक्स सर, मैक्सिमम 10 पोस्ट जाते हैं इंस्टा के ऊपर, इट बिकम्स अ कराउजल पोस्ट, और फेसबुक के ऊपर इट बिकम्स अ ओपन स्लाइड पोस्ट। क्लिक किया तो ओपन होता है, देखो 8-10 फोटो। ओके सर, आई डोंट थिंक आई हैव फोटोज ऑफ दिस, लेट मी चेक।
ठीक है। अच्छा कितना हो गया फोटो? नहीं नहीं हो गया आड़ा, कितना एक बार चेक करो कितने फोटो ऐड किए आपने। तो 9 हो गए, अभी 10 हो गए, दिस इज इट 10th वन। ठीक ओके अगर आप कराओ तो पोस्ट कभी बनाओ, 5 से ज्यादा पोस्ट मत बनाओ, इतना फोटो कोई दिखता नहीं है। यस। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। आप पढ़ाई कर रहे हो या यू वर्किंग समवेयर? मी किस में हो गया आपका? बीसीए। आपने पास किया है बीसीए? अबे नामदन, नाइस पगल है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स जस्ट स्टडिंग डेंटिस्ट्री रंगून वाला। अलग अलग है ना दोनों? सेम ही है, सेम सेम कैंपस। हाँ कैप्शन कैप्शन और हैशटैग में एक लाइन का गैप रखो हमेशा, बी yes, स्पेस बिटवीन द कैप्शन एंड द या लुक्स अ बिट रीडेबल। ठीक sir. It's also done. या नाउ यू कैन पब्लिश। ठीक है, सो योर पोस्ट हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है, यस सो वी हैव लर्न्ड हाउ टू सेट अप मेटा बिजनेस प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक ऑर्गेनिक, हमने आज सीख लिया। ठीक है, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू अगेन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर।